नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। ललित जी शर्मा, मदन जी गुदारा, किरण जी जांगिड़, ए के जी मीणा, शैलेंद्र कुमार जी, पवन कुमार जी खिंची, विकेश जी, योगेश जी, आप सभी का इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत। आपको भी इंतजार था वैसे इस पेपर के विश्लेषण का। कल जो पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का, वैसे दो पेपर थे आपके। एक तो पहला राजस्थान जीके और जनरल साइंस के 75-75 प्रश्न पूछे गए थे, और सेकंड पेपर लैंग्वेज टेस्ट था हिंदी के 75 और 75 इंग्लिश के थे। तो हम सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी विषयों से, उनका आपको विश्लेषण है वो प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा पेपर राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स से जुड़े जो प्रश्न पूछे गए थे उनका हम डिस्कस करेंगे। वैसे इसके पाठ्यक्रम में भारत के भूगोल का भी दे रखा था, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे वो भी था, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति वो भी थे। लेकिन ये जो पेपर का पैटर्न रहा है वो थोड़ा सा बहुत इजी लेवल है, इतना जिस प्रकार से इसने पाठ्यक्रम दे रखा था उस प्रकार का लेवल है वो नहीं है। बहुत ही लड्डू टाइप के प्रश्न है वो पूछे गए हैं, और सभी जो वीडियो है हमने 3 मैराथन वीडियो आर एस एम एस एस बी के आपको प्रोवाइड करवाए थे पहले, तो आप मान सकते हैं कि 99% तक के जो प्रश्न है आपको उस वीडियो के माध्यम से हमने विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस किया था। हूबहू प्रश्न आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए मित्रों, आप सभी लाइव जुड़ गए हैं तो अपने मित्रों के साथ में भी एक इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं, और ये पहला वही प्रश्न है जो मैंने आपको एक दिन पहले करंट अफेयर्स के सेशन में बताया था। 27 नवंबर को विश्व जो अंगदान दिवस है उसके अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअली एक अंगदान स्मारक जयपुर में इसका उद्घाटन किया था। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन कहां पर किया था। तो ये वर्चुअली उद्घाटन आपका जयपुर में किया था, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। राजेंद्र कुमार भंडारी जो कि हाल ही में चर्चा में थे, किस पुरस्कार के विजेता रहे हैं? तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इन्होंने आपदा प्रबंधन के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है वो एक तो मिला था आपको सीड्स को, और एक मिला था इन्हें राजेंद्र कुमार भंडारी को। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21st का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ था। तो यहां पर आप देखिए मित्रों, इसके ऑप्शंस भी इसी प्रकार से हैं कि हम इजीली इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ना भी पता हो। अगर यहाँ पर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर इस प्रकार के अगर ऑप्शन दे रखे होते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर में एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21st का आयोजन हुआ था, और ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास था। ये भी आपको आगामी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। जनवरी 2021 इसमें करंट अफेयर्स से मोस्टली जो प्रश्न आए हैं वो जनवरी महीने के आए हैं 2021 के। इसमें राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आए हैं? आप करंट के लगभग 10-11 क्वेश्चन है, बाकी सब राजस्थान जीके के ही है। 60+ आपको राजस्थान जीके के प्रश्न है वो मिल जाएंगे इसमें। किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया? नीति आयोग, CSIR, RBI और इसरो। तो इसमें भी इसी प्रकार के ऑप्शंस दे रखे हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी कि जो नवाचार सूचकांक है वो सबसे पहले नीति आयोग ने 2019 में जारी किया था, उसके बाद में इनोवेशन इंडेक्स 2.0 है वो 2020 में जारी किया था। तो ये नीति आयोग ही करता है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। जनवरी 2021 में संपन्न WHO की कार्यकारी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत, चीन, रूस और अमेरिका। तो WHO की बैठक की कार्यकारी अध्यक्षता भारत ने की थी, और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने इनकी अध्यक्षता है वो की थी। तो यहां पर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है 1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? इसरो, डीआरडीओ, एसबीआई और बीएसएनएल। सर ओबीसी की क्या रहेगी कट ऑफ? कट ऑफ के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। मैं आपको एक पोल बनाकर दूंगा, या तो गूगल फॉर्म में बना देंगे या फिर आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। उसके बाद में आप सभी वोट करना, लगभग 7-8 हजार लोग हैं वो वोट कर देंगे। उसके बाद में आपको एग्जैक्ट जो कट ऑफ है उसका पता चल जाएगा, तो वो मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा। ज्यादा कट ऑफ है वो इसके जाने के चांसेस है नहीं, क्योंकि इसमें आपकी 1,30,000 के समथिंग फॉर्म अप्लाई हुए थे और लगभग 40% लोगों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें सीरियसली तैयारी करने वाले बंदे बहुत ही कम थे। तो 63वां स्थापना दिवस है वो 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने मनाया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान जो संस्थान है इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, डीआरडीओ। और 1958 को इसका गठन हुआ था, और उसके बाद में जब 63 साल करते हैं तो 2021 में इन्होंने 63वां अपना स्थापना दिवस है वो मनाया था। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एसबीआई तो आप सभी को पता होगा, इंपीरियल बैंक के रूप में 1806 में अस्तित्व में आया था, उसके बाद में एसबीआई के नाम से 1955 में बना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डीआरडीओ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान में रखना है कि 37 रेड्डी इनके वर्तमान में चीफ है और इसरो के है के सिवान। नेक्स्ट, आईयूसी का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? तो आईयूसी ये टेलीकॉम रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, ट्राई है, इनसे संबंधित है, और इसका यहाँ पर एक्सटेंशन फॉर्म हो जाएगा इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। ओबीसी में 136 नंबर आ रहे हैं, कोई चांस है क्या? मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले पेपर का हम एक बार देख लेते हैं, ताकि जिनके आगामी एग्जाम है, कॉलेज लेक्चरर हो गए, पीएसआई हो गया, और पटवारी, जेईएन, आरबीबीएनएल, तो उनके लिए, वन रक्षक, उनके लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करें, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपके कट ऑफ के बारे में भी। तो मित्रा ये स्कीम है, ये योजना है, वो किससे संबंधित है? तो मित्रा है ये आपकी किससे संबंधित है? कृषि वस्त्र, तो वस्त्र से संबंधित है, टेक्सटाइल, यानी कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल। सर यही एग्जाम आपके चैनल से पढ़कर दिया था, बहुत अच्छा गया। निश्चित तौर पर अगर आपने वो अच्छी तरीके से हमारा लाइव सेशन भी पिछले 1 महीने से देखा हो, तो आप बहुत ही अच्छा इस पेपर में परफॉर्मेंस है वो आप सभी ने कर पाया होगा। तो वर्तमान में केंद्रीय बजट में जो मित्रा है ये आपके टेक्सटाइल से संबंधित है, वस्त्र से संबंधित है, ठीक है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल जो पार्क्स है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन भी इसी प्रकार से दे रखे हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अच्छी तरीके से करेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू है वो केग है वर्तमान में, और सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और शशि शक्तिकांत दास है ये आपके आरबीआई के चीफ हैं। नेक्स्ट है, राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 यानी कि गणतंत्र दिवस की फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया था, वह किस देश ने इसको भारत ने खरीदा था? तो यहां पर फ्रांस, अमेरिका, यूके, इजराइल। हेमंत जी लिख रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए सभी प्रश्न आए, धन्यवाद सर, आपका हार्दिक आभार। और बहुत से मित्रों के वैसे मेरे पास में मैसेज आए हुए हैं, बहुत लगभग व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, मैं देख नहीं पाया हूँ, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आप सभी के जो मैसेज है वो मैं एक बार आपको टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट उसकी डाल दूंगा। आप सभी ने एग्जाम होने के बाद में जैसे ही आप एग्जाम से बाहर आए, तो लगभग लगभग मेरे पास में आपके मैसेज है उसकी झड़ी लग गई थी कि वही आए जो आपको पहले बताया गया था। और मैं पहले आपको हमेशा बताता रहता था कि ये चीजें आप अच्छी तरीके से देख लो, पढ़ लो, और मैंने प्रत्येक आपको सीधा प्रश्न आंसर नहीं बताया था, विश्लेषणात्मक रूप से चीजें दी थी।
तो राफेल फाइटर है ये फ्रांस से भारत ने खरीदे थे। फ्रांस के और भारत के मध्य 36 राफेल के लिए डील हुई थी, जिसमें 11 राफेल अभी तक भारत के पास पहुंच गए हैं, ठीक है, और बाकी भी धीरे धीरे आ जाएंगे। तो ये फ्रांस से खरीदे थे राफेल फाइटर जेट। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है पहले के परीक्षाओं में भी। नेक्स्ट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण है 16 से 24 जनवरी 2021 को यहां पर आयोजित हुआ, जयपुर, गोवा, मुंबई और नई दिल्ली। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोवा में प्रतिवर्ष जनवरी महीने में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होता है, और ये स्टार्ट हुआ था 1952 को, ठीक है, और इस बार 2021 में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो मनाया जाता है, और ये इस प्रकार का एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो प्रतिवर्ष गोवा में होता है, और कंट्री ऑफ जो जूनियर अकाउंटेंट राजस्थान जीके आपकी कौन सी वाला वीडियो, मैं आपको सारी की सारी चीजें वीडियो के अंत में बता दूंगा कि आपको कौन सी क्या देखना है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, गोवा में इसका आयोजन हुआ था जनवरी महीने में 2021 में, ठीक है, शुरुआत हुई थी 1952 को। नेक्स्ट है, COVID-19 संक्रमण से बचाव के टीके जिसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, इसको किस टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए ताकि ये सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर टेम्परेचर की बात हुई है, तो ऑप्शन भी इस प्रकार से ही दे रखे हैं, आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य है वो इन्हें रखा जाना चाहिए। साथ ही आपको ध्यान होना चाहिए कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को किसने बनाया था ये टीके। तो ये कोवैक्सीन तो भारत बायोटेक ने बनाया था, भारत बायोटेक, और ये आपका कोविशील्ड बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत बायोटेक, जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाना है, ठीक है। और आप कमेंट करके बताइए कि भारत में, सॉरी राजस्थान में कोरोना का वैक्सीनेशन है वो किस डेट को स्टार्ट हो गया था, कमेंट करके बताइए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए। नेपा इंडस्ट्री इज फेमस फॉर, नेपा उद्योग किसके लिए प्रख्यात है, तो नेपा उद्योग है ये आपका अखबारी कागज के लिए विख्यात है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये नागपुर महाराष्ट्र का नेपा इंडस्ट्री है वो बड़ा फेमस है। ये प्रश्न यहाँ पर क्यों पूछा गया है कि इसके पाठ्यक्रम में राजस्थान के, सॉरी भारत के उद्योग दे रखे थे, तो वहीं से आपका ये प्रश्न पूछा गया है, नेपा इंडस्ट्री इज फेमस फॉर न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% तक होता है। हाँ, 16 जनवरी 2021, बिल्कुल आप सभी सही बता रहे हैं। किस सेल में सिलिका का प्रतिशत, तो सिलिका का प्रतिशत 55 से 65 के मध्य आपका होता है मध्य सिलिका, यानी कि ये परसेंटेज भी आपका मिडल ही है, मध्य का ही है, ठीक है, 55 से 65। तो ये आपका इंटरमीडिएट रॉक में 55 से 65% के मध्य आपकी सिलिका पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो ये राजस्थान भारत के अपवाह तंत्र से जुड़ा प्रश्न है, इसमें देखिए गोदावरी नदी है, इसका हिमालय से कोई संबंध नहीं है, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो गांधी सागर एक तो आपका बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा सागर, चार बांध है जिसमें गांधी सागर सबसे बड़ा है और मध्य प्रदेश में है, और गांधी सागर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आपकी मध्य प्रदेश में है, कान्हा, पन्ना, पेंच और गांधी सागर ये सभी आपके एमपी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत की खरीफ फसल है गेहूं, बाजरा, चना और जौ। तो खरीफ फसल वो फसल होती है जो कब बोई जाती है,
वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा पर निर्भर है। तो खरीफ बाजरा की जो फसल है वो खरीफ की फसल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। और आप सभी को अच्छी तरीके से पता होना ही चाहिए इसके बारे में। गेहूं की फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसल है, चना और जौ भी आपकी रबी की ही फसल है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे नीरी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और कई बार एनवायरमेंट की परीक्षाओं में नीरी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि नीरी क्या है या नीरी का एक्सटेंशन फॉर्म क्या है। तो नीरी यानी कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। ऑप्शंस नंबर एक है करेक्ट आंसर। और नागपुर आपका संतरा के लिए भी प्रसिद्ध है, और नागपुर का हमने देखा नेपा इंडस्ट्री भी यहीं की प्रसिद्ध है। और राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है कि जो संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आप कमेंट करके बताइए। और ये जो नीरी है ये मित्रों, इसके आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है नीरी के बारे में, वो क्या है कि इस नीरी के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और शेखर सी मांडे हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांडे। तो आपके करंट में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। और 1958 को आपका नीरी है वो स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH4, NH28, NH2, NH44। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH44 है जो कि भारत के सबसे उत्तरतम जो कि वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, वहां से लगा करके दक्षिण में तमिलनाडु तक ये गुजरने वाला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और 3740 या 45 के समथिंग इसकी लंबाई है, तो आपको ध्यान में रखना है। ऋषुजी वर्मा लिख रहे हैं झालावाड़, बिल्कुल झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा संतरे उत्पादित होते हैं। 1:50,000 के पैमाने पर नक्शे पर खींचा गया 1 सेंटीमीटर भूमि पर क्या प्रदर्शित करेगा। तो 1:50,000 ये आपका वैसे भूगोल का प्रैक्टिकल आपने दिया हो तो आप इस प्रश्न को सही वैसे कर पाते। आरएफ वगैरह हम प्रैक्टिकल में ज्यादा इसको यूज लेते हैं। तो देखिए इसमें 1.5 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। 21 जून, 5 जून, 22 मार्च और 16 सितंबर। तो आज ही 22 मार्च है, आज कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है आप कमेंट करके बताइए। और विश्व पर्यावरण दिवस है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, 16 सितंबर को तो विश्व ओजोन दिवस, और 21 जून को आपका भारत ने स्टार्ट किया था योगा दिवस, और 22 मार्च को आज कौन सा दिवस मनाया जाता है आप कमेंट करके बताइए। और 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आज आपका वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आपके मैराथन वीडियो डेली थे, मैंने आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, सभी को पता है अच्छी तरीके से, जयपुर, जैसलमेर, कोटा और बाड़मेर। बीकानेर वाले एक दो और ऑप्शंस देते तो काफी लोग थोड़े से कंफ्यूज होते, नहीं तो आप सभी को पता है जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो आपकी सम तहसील है, ये वनस्पति शून्य स्थान है और यही सबसे शुष्क स्थान है। बिल्कुल सही बताया आपने संगीता जी, प्रजापत सम जैसलमेर। और यहाँ के सैंड ड्यून्स जो बहुत ही प्रसिद्ध है पर्यटक महत्व के हैं। राजस्थान राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। मित्रों मैंने आपको जितनी भी बार नर्मदा के बारे में हमने डिस्कस किया तो आपको अच्छी तरीके से बताया था कि नर्मदा जो परियोजना है वो आपकी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। लेकिन ये चीजें मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि ये बेसिकली आपकी भारत का जो अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तो उसमें चीजें हैं देखने को मिलती है हमको। लेकिन आपको पता होगा अच्छी तरीके से
कि नर्मदा नाम की नहर तो राजस्थान से गुजरती है, लेकिन नदी राजस्थान से कोई नदी नर्मदा नाम से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नर्मदा नहर राजस्थान में, जो हमारा सांचौर और गुढ़ामालानी तहसील है बाड़मेर और जालौर जिले की, तो वहां से नर्मदा नहर अवश्य गुजरती है। लेकिन नर्मदा बेसिन का मतलब होता है कि नदी जहां से गुजरती है उसके आसपास वाला जो एरिया है वही बेसिन कहलाता है। तो ये आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से तो गुजरती है, लेकिन राजस्थान इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है, और इसमें भी ऑप्शंस है बहुत ही घटिया किस्म के इन्होंने दिए हैं। देखिए, आप सभी को पता है जैसलमेर राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ पर अगर विकल्पों में कूट में देखा जाए तो एक नंबर पर ही इन्होंने जैसलमेर डाल दिया है, और बाकी में आप सभी को पता ही है। तो ऑप्शंस नंबर सी हो जाएगा, जैसलमेर, उसके बाद में नागौर और टोंक, ये अवरोही क्रम में जिलों का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उल्लेख किया। ये भी बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, कर्नल टोड, जॉर्ज थॉम्स, मैक्स मूलर, वी स्मिथ। तो ये जॉर्ज थॉम्स ने किया था 1800 ईस्वी में, और इसके बाद में 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान शब्द के रूप में संबोधित करते हैं। तो राजस्थान तो कहा था कर्नल टोड ने, और राजपूताना कहा था जॉर्ज थॉम्स ने, कब? 1800 ईस्वी को। नेक्स्ट है, कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। और ये तो अगर फिट में इसकी ऊंचाई पूछते ना तो भी आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते। तो देखिए, गुरु शिखर है अरावली की सर्वोच्च चोटी है 1722 मीटर, या फिट में पूछी जाए तो 5650 फिट, ठीक है। इसके बाद में 1597 मीटर आपकी शेर है दूसरी सर्वोच्च चोटी, और दिलवाड़ा 1442 मीटर है। ये सभी कहाँ है? सिरोही में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है 1224 मीटर। तो एक नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वृक्षों के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए अमृता देवी बिश्नोई है, वो प्रसिद्ध है। आप सभी को 1730 में जो घटना है खेजड़ली बलिदान की अच्छी तरीके से ध्यान होगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वन्य जीव के प्रोटेक्शन के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो ये है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ऑप्शंस नंबर बी है करेक्ट आंसर। और ध्यान में रखना है आपको, सबसे पहले जो वन अमृता देवी पुरस्कार दिया गया था वो गंगा राम बिश्नोई को दिया गया था सन 2001 में, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? नागौर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। सर, जीके क्वीज वाले पहले पढ़ या पूरे डिस्क्राइब वाले? क्विक वाले, अगर आप जो भी चाहे क्विक वाले पढ़ना चाहते हैं तो क्विक वाले पढ़ लीजिए, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पहले प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप एक टेस्ट दीजिए, एक पेपर का पर्टिकुलर, और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन है देखिए, तो आपके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए वो चीजें है वो फिट हो जाएगी, कभी आप नहीं भूलेंगे उनको। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? नागौर, भरतपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो जलोढ़ मृदा आपकी भरतपुर में पाई जाती है। हमने बहुत बार डिस्कस किया था, आपको अच्छी तरीके से बताया था कि यहाँ से उत्तर पूर्वी राजस्थान ऊपर आपकी यमुना नदी बहती है, चंबल भी उधर ही जाती है उत्तर पूर्व राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? एल्यूवियल सोयल, ऐसी मृदा जो कि नदियों के जल द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है उसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। और जहां पर नवीन जलोढ़ है वो जमा होती है उसे तो कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ है उसे कहते हैं बांगर। तो बांगर तो आपका शेखावटी वाला प्रदेश हो गया, और ये आपका जलोढ़, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान अलवर भरतपुर में पाई जाती है, और भरतपुर इसमें ऑप्शंस दे रखा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? तो तांबे के भंडार आपके खेतड़ी झुंझुनू में है, ठीक है, खेतड़ी सिंगाना। हाँ, अल्फीसोल मृदा भी यही पाई जाती है।
तांबे के भंडार, ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने एक एक चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है? तो राजस्थान में वनों को, राजस्थान या भारत में वनों को तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, आरक्षित जो रिजर्व्ड कहते हैं इंग्लिश में जिसे, और प्रोटेक्टेड जिसे संरक्षित कहते हैं, और एक होता है अनक्लासिफाइड जो कि इन दोनों क्लास में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा आपके वन उदयपुर जिले में ही पाए जाते हैं, और रिजर्व्ड कैटेगरी के वन कहे तो भी आपके, हाँ, खेतड़ी सिंघाना के मदान कुदान, बिल्कुल बहुत ही अच्छा बताया आपने, खेतड़ी सिंघाना के मदान कुदान से सबसे ज्यादा आपका ताम्र निक्षेप है वो देखा गया है। तो ऑप्शंस नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपका आरक्षित वन्य क्षेत्र है ये, आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है, तो न्यूनतम वाला प्रश्न आपसे बेसिकली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि चार पांच जिले ऐसे हैं जिसमें 0% आपके रिजर्व कैटेगरी के फॉरेस्ट हैं, जिसमें जैसलमेर और बीकानेर भी आपके सम्मिलित हैं। तो न्यूनतम इसमें अगर पूछा जाए, यही ऑप्शंस दे दिया जाए और न्यूनतम रिजर्व कैटेगरी के फॉरेस्ट पूछे, तो आप क्या बताएंगे? जैसलमेर बीकानेर, वह सबसे ज्यादा है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इनकी अगर बात करें तो 2,450 वर्ग किलोमीटर में उदयपुर में रिजर्व कैटेगरी के फॉरेस्ट है, और लगभग 1,200 वर्ग किलोमीटर में चित्तौड़गढ़ में आपके फैले हुए हैं। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर ये चीजें क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, मैंने ये तो आपको अच्छी तरीके से पहले भी बता दिया था, इस प्रकार का प्रश्न अभी तक शायद आया नहीं है, अगर आया होता तो मैं आपको पहले ही बता देता, और बाकी चीजें मैंने अच्छी तरीके से आपको बताई थी कि रिजर्व कैटेगरी के फॉरेस्ट है वो 38.11% है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी के फॉरेस्ट है वो आपके 55.64% है, और बाकी के आपको 6.25% है, ठीक है। तो ये तो वनों का अभिलेखित जो वर्गीकरण है वो हो गया, राजस्थान के कुल 9.57% भाग पर वनों का विस्तार है वर्तमान में, कुल एरिया के इस अभिलेखित वनों वाला, ठीक है। यहां पर अब आपको देखना है कि जो रिजर्व कैटेगरी के फॉरेस्ट होते हैं, आरक्षित होते हैं, तो आरक्षित पर क्या होता है कि सीमित मात्रा में लिमिटेड आपको पशु चराने की भी अनुमति होती है, और वनों को काटने यानी कि लकड़ी काटने की भी आपको सीमित मात्रा में, जलाने के लिए लकड़ी उपयोग करने की सीमित मात्रा में आपको अनुमति होती है रिजर्व कैटेगरी के फॉरेस्ट पर। प्रोटेक्टेड कैटेगरी में क्या होता है कि आपको बिल्कुल ही अनुमति नहीं होती है, वहां पर मानव क्रिया है, वहां पर पूर्णतः प्रतिबंध होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा रक्षित वन कहाँ है? हाँ, सबसे ज्यादा रक्षित वन वाला भी आपने अच्छी तरीके से प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ध्यान में रखना होगा आपको कि एक तो आपका करौली जिला सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो बारां जिला, और दूसरा है करौली, करौली और बारां में सबसे ज्यादा आपके प्रोटेक्टेड कैटेगरी के फॉरेस्ट हैं। तो प्रोटेक्टेड ध्यान में रखना है, बारां और करौली रिजर्व्ड कैटेगरी के उदयपुर और चित्तौड़गढ़, और एक कैटेगरी है वो अनक्लासिफाइड रह गई, तो बीकानेर और गंगानगर में आपके अवर्गीकृत वन है वो पाए जाते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको ये। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाई बांध पाली में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में, बजाज सागर बांध डूंगरपुर में। तो यही हमारा सही से सुमेलित नहीं है। तो देखिए सर, आपके वीडियो देखे हैं मैंने 10 ओवर वाले, उसके बाद अप्रोक्स पेपर के 15 से 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए, आप बजाज सागर बांध है ये माही नदी पर बना है, इसे माही बजाज सागर भी कहा जाता है, ठीक है। लोचन जी लिख रहे हैं, सर आपने भी यही पेपर दिया था? हाँ, मैंने भी दिया था, और ये मेरा ही पेपर है बेसिकली। मुझे ये नहीं पता था कि फॉर्म अप्लाई किया हुआ है या नहीं है, फिर उसके बाद में जब एडमिट कार्ड आया तब देखा तो सोचा कि दे आते हैं। इसमें मेरे पांच क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो रहे हैं टोटल 1,75 में। तो बजाज सागर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरखेड़ा, बोरखेड़ा में आपका माही बजाज सागर बांध है, वो बांसवाड़ा में है ना कि डूंगरपुर में, तो असुमेलित पूछा है। और इसके आपको ध्यान में रखना है कि उम्मेद सागर जो बांध है वो आपका कर्नाटक
कहाँ पर है? भीलवाड़ा में भी है और एक आपका जोधपुर में भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है चोकला, पूगल, मगरा और बर्बरी। अच्छी तरीके से हमने इन सभी के बारे में डिस्कस किया था, भेड़ की, गाय की, बकरी की, ठीक है। तो ये बर्बरी या बड़वारी भी कहते हैं, ये एक बकरी की नस्ल है ना कि भेड़ की। चोकल, पूगल, मगरा, सोनानी, चनोथर, ये सभी आपकी भेड़ की नस्लें हैं। नेक्स्ट है, जोड़ा बनाए पक्षी अभयारण्य का और कौन सा है वो आपका, किस प्रकार का है, कहाँ है, क्या नाम है उसका, ठीक है। ये पेपर कल ही का है, 21 मार्च 2021 को है। तो देखिए, पक्षी अभयारण्य है ये आपका केवला देव घना पक्षी के नाम से है। पक्षी अभयारण्य है हम सभी को अच्छी तरीके से पता है। बाघ परियोजना रणथंभौर में है, आपके कितने बन रहे हैं मैं भी बताऊंगा आपको लास्ट में कितने क्या बन रहे हैं वो। बाघ परियोजना रणथंभौर में, ठीक है, रण और सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का और आपकी मुकुंद्रा हिल्स, ये तीन टाइगर रिजर्व है आपको ध्यान में रखना है। और तीन ही राजस्थान के नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, केवलादेव घना पक्षी विहार और मुकुंद्रा हिल्स, ठीक है। और काला हिरण है, काला हिरण आपका ताल छापर चूरू, चूरू वाला बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, ब्लैक बक के लिए, काला हिरण के लिए, तो ताल छापर चूरू, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। तो अन्न का कटोरा उत्तरी राजस्थान का श्री गंगानगर कहलाता है, ठीक है। तो श्री गंगानगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा अमेरिकन कपास भी यही होता है गंगानगर हनुमानगढ़ में, और आपका ये गेहूं भी यही होता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि माल्टा और किन्नू है, ये भी आपका श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में ही होता है। राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय तोरिया, सरसों, तारामीरा, अलसी और मूंगफली। तो इसमें मित्रों प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन काफी लोगों की दिक्कत ये हो गई, ये तारामीरा और अलसी क्या चीज है, ये लोगों को पता ही नहीं है। बेसिकली राजस्थान की कृषि से जुड़ा आपका टॉपिक दे रखा था पाठ्यक्रम में भी, लेकिन ये आपको ध्यान में होना चाहिए, अलसी क्या चीज है, तारामीरा क्या है। तो आप देखिए, तोरिया सरसों सुबह उठकर देखेंगे सर, राम राम, अभी तो इतना टाइम ही नहीं हुआ है, 11:30 तक हम कंप्लीट कर देंगे। आप जुड़े रहें, अपने साथियों को भी एक बार मैसेज करके जगा दीजिए। तो आप अगर ज्यादा लेट हो रही है तो हम जल्दी ही इनको समापन की ओर ले जाएंगे। तो देखिए, आपका मूंगफली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरसों के साथ में आपका तोरिया, और ये तारामीरा है, ठीक है, इसे जाम्बा भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, तो ये आपका सरसों के साथ में ही बोया जाता है। और अलसी को आलिया कहते हैं स्थानीय भाषा में, ठीक है। तो ये भी आपका रबी यानी कि शीत ऋतु में तिलहन की फसल है, यानी कि इनसे तेल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, 50-50% इसमें हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है, चमड़ा आधारित लघु उद्योग कहाँ है? तो ये प्रश्न है वैसे बहुत ही इजी है, और आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी सोल्व कर पाते कि देखिए, आपका मानपुरा माचेड़ी है जयपुर का, ये आपका लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। और जोधपुर की जूतियां हैं, चमड़े की जूतियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर जयपुर और जोधपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानपुरा माचेड़ी से आप इसको सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ये भी हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है, मोलेला जो कि राजसमंद में है, मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, और आकोला ये दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, और टांकला और शालावास की दरिया प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर मोलेला करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी की जो टेराकोटा मूर्तियां पूछी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है, फंडामेंटल जो आपकी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। तो आप सभी को पता होगा, रिको है, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है,
यही आपको उद्योगों की शीर्ष संस्थान है, हमने अच्छी तरीके से डिस्कस भी किया था। तो उद्योगों की जो शीर्ष संस्थान है ये रिको है। ये रिको बेसिकली 1969 में ये इसका अस्तित्व में आती है, लेकिन आपकी रिको के नाम से 1980 में इसका प्रादुर्भाव होता है। तो ऑप्शंस नंबर एक है करेक्ट आंसर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इससे पहले मित्रों, एक दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स राजस्थान का वीडियो डाला था, और राजस्थान के करंट अफेयर्स वाले वीडियो लगभग दो तीन ही प्रश्न राजस्थान के करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, लगभग लगभग आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। और ये प्रश्न है, वैसे प्रश्न के तौर पर तो मैंने वहां पर सम्मिलित नहीं किया था, बड़ला से जुड़ा एक आपको एक लाइन दी थी लास्ट में प्रश्न के। आप उस वीडियो को, 2 घंटे वाले करंट अफेयर्स के वीडियो को लगभग 30 मिनट या 29 मिनट पर आप जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने बताया था कि भारत और विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क बड़ला जोधपुर है, और नोक जैसलमेर में दूसरा सबसे बड़े पार्क के स्थापना के लिए आपका कार्य है वो चल रहा है। तो यहाँ पर नोक जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने एक दिन पहले ही आपको ये चीज बताई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? तो ये तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता होना ही चाहिए, भामाशाह योजना है। वर्तमान में तो ये चर्चित नहीं है, लेकिन जब इसकी 2014-15 में वसुंधरा के सरकार में भामाशाह योजना है वो चलाई गई थी। भामाशाह कार्ड भी जारी किए जाते हैं, और भामाशाह कार्ड में आप अगर देखेंगे तो महिला के नाम का खाता बना हुआ होगा, और जो भी पूरे परिवार के सदस्यों का किसी भी प्रकार से बैंक में पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, तो वो परिवार की महिला मुखिया के नाम से आएगा। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना से संबंध रखती है, कौन सी? भामाशाह योजना। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। नेक्स्ट है, 11 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जिस प्रकार से आरपीएससी जनसंख्या का प्रश्न पूछ रही है वो तो आप किताबों में ढूंढेंगे, वेबसाइट पर ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं आप देखिए। ठीक है, इजलास खास की स्थापना किसने की है? एक जगह सज्जन सिंह लिखा है, दूसरी जगह फतेह सिंह। प्लीज सर डाउट। ये तो प्रश्न आपका पूछा गया था 1877 में इजलास खास की स्थापना सज्जन सिंह करते हैं, अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा लेकर सज्जन सिंह ने स्थापना की थी। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी आपका जयपुर में है, और जनसंख्या भी आपकी जयपुर की ही है सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट है, पहाड़ी जिले चीकू गाजर आम वाला प्रश्न आपका आ गया है। तो पहाड़ी जिले में तारागढ़ सम्मिलित नहीं है, मैंने आपको बताया भी था कि चीकू गाजर आम है। ये आपके पहाड़ी दुर्गों में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कालबेलिया आपका नृत्य है, वो भी यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, और परकोटा शहर है जयपुर का 2019 में, उसे भी शामिल किया गया था। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरौन, जैसलमेर का दुर्ग, रणथंबोर का दुर्ग और आमेर का किला, ये 6 किले हैं वो यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में 2013 में है वो शामिल किए थे। ठीक है, तो तारागढ़ का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तारागढ़ अजमेर में भी है, बूंदी में भी है, और अजमेर वाले को गढ़बीटली कहते हैं। मीरान साहब की दरगाह भी इसी दुर्ग में है। नेक्स्ट है, कानड़ दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है? बहुत ही इजी प्रश्न है, कल्लोल, पद्मनाभ, शालीभद्र और चंद्रवरदायी। तो कानड़ दे प्रबंध ये आपने पद्मनाभ ने लिखा था, और कानड़ दे कहाँ का शासक था? जालौर का शासक था कानड़ दे चौहान, जो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं पर एक रचना लिखी थी पद्मनाभ ने कानड़ दे प्रबंध के नाम से, और ये ऑप्शंस भी बहुत ही अच्छे हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कल्लोल है, कवि कल्लोल ने ढोला मारूरा दुहा, नरवर के जागीरदार ढोला। ठीक है, तो ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल ने लिखा था, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर आधारित हैं, और शालीभद्र सूरी इन्होंने लिखा था भरतेश्वर बाहुबली। क्या नाम था? भरतेश्वर बाहुबली घोष या फिर रास, क्या होगा? भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी ने लिखा था। और एक यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली का नाम आया, तो एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, याद आ गई, भरतेश्वर बाहुबली घोर,
भरतेश्वर, बाहुबली, घोर पूछे या घोष पूछे, तो ये आपका किसने लिखा था? ये आपका वज्रसेन सूरी ने लिखा था। और इसे ध्यान में क्यों रखना है हमें? क्योंकि राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम अगर कोई ग्रंथ है तो भरतेश्वर बाहुबली घोर है, ना कि रास। रास तो लिखा था शालीभद्र सूरी ने, और घोर लिखा था आपका वज्रसेन सूरी ने, जो कि राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेले और महीने मनाने का जोड़ा नहीं है, तो यहां पर ये खाटू श्याम जी वाला, फाल्गुन वाला, ये अगर गलत लिखते तो यहां पर काफी लोग थोड़े से कंफ्यूज होते। ठीक है, लेकिन देखिए आप, बाबा रामदेव जी का मेला आप सभी को पता है, भादवारी बीज यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी के मध्य बाबा रामदेव जी का मेला आयोजित होता है भाद्रपद महीने में। ठीक है, तो आप सभी को पता है अच्छी तरीके से, श्रावण का ये नहीं है, सुमेलित नहीं है, खाटू श्याम जी का मेला, जिसे खाटू श्याम जी को किस नाम से जाना जाता है? मोरबी नंदन के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु के स्वरूप के रूप में यहाँ पर इनकी पूजा होती है। ठीक है, तो खाटू श्याम जी का मेला आपका सीकर जिले में लगता है फाल्गुन के महीने में, और पुष्कर का मेला कोलायत में, कोलायत का जो मेला है वो भी, और पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद महीने में। ठीक है, कट ऑफ के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे मित्रों, आप जुड़े रहें। कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चारमर डांस के नाम से जाना जाता है? स्नेक चारमर डांस, तो ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, अगर ऑप्शंस देखें तो आप शायद ही इस प्रश्न में कंफ्यूज हो पाए। देखिए, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया एक सर्पों से संबंधित ये जाति है, ये सर्प पकड़ने का भी कार्य करते हैं, सांपों को आकर्षित भी करती है। ठीक है, और गुलाबो कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी सम्मिलित किया गया है, आपको पता होगा। तो देखिए, कालबेलिया जो नृत्य है ये स्नेक जारमर चारमर डांस के लिए प्रसिद्ध है, जो नागिन डांस वगैरह होता है तो वे वो कालबेलिया लोग ही करते हैं। ठीक है, तो स्नेक चारमर डांस है, कालबेलिया हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। और भवाई नृत्य है, तो भवाई नृत्य में क्या होता है? इसमें विभिन्न प्रकार की आपके स्टंट किए जाते हैं, जैसे कि जो बोतल होती है कांच की, उस बोतल पर खड़े रहना, या फिर किसी भी प्रकार का जो चक्र होता है, पहिया होता है साइकिल का, तो उसको उंगली पर घुमाना, मुंह से रुमाल पकड़ना, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो भवाई नृत्य में होती है। और भवाई नृत्य आपका मेवाड़ का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, घूमर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है, राजकीय लोक नृत्य है, जो कि राजस्थान के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो गवर्नमेंट के भी होते हैं, और भी महत्वपूर्ण जो विवाह वगैरह होते हैं तो वहां पर भी घूमर नृत्य आयोजित होते हैं। ठीक है, और कठपुतली राजस्थान की एक लोक कला है। ठीक है, तो यहाँ पर कालबेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी शैली ढूंढाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? सिवाय एक्सेप्ट किसके सिवाय? आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली और बूंदी शैली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बूंदी शैली। देखिए, हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, आपको मैंने बताया भी था, सावर और शाहपुरा शैली मेवाड़ की उपशैलियां हैं, उनियारा जो कि टोंक की है ये भी आपकी जयपुर शैली के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली, लेकिन बूंदी शैली है, इसका संबंध जयपुर से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबूजी की फड़ सुनाते समय मुख्य वाद्य यंत्र होता है? तो ये भी प्रश्न हमने कई बार आपको बताया था, बाबूजी की फड़ रावण हत्ता, देवनारायण जी की फड़ जंत्र वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ऑप्शंस नंबर एक हो जाएगा रावण हत्ता, बाबूजी की फड़ बांचते समय रावण हत्ता। और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? बाबूजी को ही दिया जाता है। ठीक है, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, तो फलोदी जोधपुर कोलू से संबंध रखते हैं ये। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराट नगर के नाम से जाना जाता था और जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष भी बिताया, आज किस नाम से जाना जाता है? तो विराट नगर वर्तमान में विराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है कि वेनसांग ने इस विराट नगर को किस नाम से जाना, इस किस नाम से पुकारा था अपने ग्रंथ में। और एक चीज विराट है, यहां पर आपके
एक तो जो मौर्य काल है, अशोक का शिलालेख मिला है, बाबरू शिलालेख यानी कि मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, मुगल काल के भी आपके यहीं पर विराट में अवशेष मिले हैं, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? यहाँ पर मित्रों हमने गलतियां हम कर देते हैं, और मैंने भी यहाँ पर यही गलती की है कि अबानेरी वाली चांद बावड़ी हमें याद आ जाती है और वहीं से बावड़ियों का शहर दोसा कर बैठते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए, सिटी ऑफ स्टेप वेल के नाम से बूंदी है वो जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस नंबर इसमें सी होगा करेक्ट आंसर, जो कि दोसा है ये नहीं है। ठीक है, बूंदी में आपकी एक तो रानी जी की बावड़ी है, और इसके अलावा यहाँ पर दाभाई कुंड नाम से ये भी एक बावड़ी की प्रकार का ही है, बावड़ी की तरह का ही है, जो कि आपका बूंदी में है। बूंदी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। पीलो मोलो, पीलो मोलो तो भीनमाल को कहा था, विराट को पोलिए तोलो कहा था। ठीक है, ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ग्रीष्म उत्सव आपका माउंट आबू जो कि सिरोही है, यहीं पर आपका ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है, और जहाँ यहाँ पर अंग्रेज रहते थे, तो 1857 की क्रांति के दौरान भी अगर देखा जाए तो अंग्रेजों की उस समय दो राजधानियां थी। ग्रीष्मकालीन आपकी राजधानी कहाँ पर थी? माउंट आबू में थी। तो ग्रीष्म उत्सव समर फेस्टिवल माउंट आबू में मनाया जाता है, और काइट फेस्टिवल है आपका जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, तिल पट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है, जोधपुर, बीकानेर, ब्यावर और अलवर। तो ब्यावर की तिल पट्टी है वो प्रसिद्ध है। वैसे मैंने ये चीज कहीं किताबों में तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन हम जब ट्रेवल करते हैं यहाँ से जयपुर की ओर जाते हैं, तो बीच में बस रुकती है, और वहां पर बहुत से लोग हैं आते रहते हैं कि ब्यावर की प्रसिद्ध तिल पट्टी है वो ले लो। तो यहाँ से भी आप अगर बीच में कभी रुके हो गए हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा इसके बारे में। तो तिल पट्टी है ये आपकी ब्यावर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और बीकानेर के क्या है? पंधारी के मोदक मिष्ठान, एक बार प्रश्न भी पूछा गया था, पंधारी के लड्डू या पंधारी के मोदक मिष्ठान है आपके कहाँ पर है? बीकानेर के प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और जोधपुर के लूनी का रसगुल्ला है, बड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है? बाबूजी, हड़बूजी, देवनारायण जी। तो ऊंटों के देवता, ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है, और रेबारी जाति के प्रमुख लोग हैं जो कि बाबूजी के आराध्य देव, बाबूजी को अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं। ठीक है, हाँ, बीकानेर के भुजिया तो आप सभी जानते ही है, वैसे बताने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ब्यावर सही है, मेरे से थोड़ा ही दूर है, लोचन जी माली कह रहे हैं, तो आपने इसको पूरी तरह से वेरीफाई कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊंटों के देवता के रूप में बाबूजी को पूजा जाता है, मित्रों ध्यान में रखना है। बाबूजी फड़ बांचते समय रावण हत्था और एक माठ वाद्य यंत्र से बाबूजी के जो पवाड़े हैं वो भी आपके गाए जाते हैं। ठीक है, थोरी जाति के लोग बाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ में गुर्जर भोपों द्वारा इसका वाचन होता है। और आप एक बार बता दीजिए, डागियावास का मावा भी प्रसिद्ध है, लोचन जी माली लिख रहे हैं, और आप बताएं एक बार कमेंट करके कि आप जिस जिले से आप संबंध रखते हैं, आपके जिले के या आपके आसपास में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, आप कमेंट करके एक बताइए। पंडित जसराज गायकी से संबंधित है, तो पंडित जसराज जी शास्त्रीय कलाकार है। ठीक है, और हाल ही में अमेरिका में उनका निधन हुआ था, अगस्त 2020 में, इसलिए ये थोड़े से चर्चा का विषय थे। तो अगस्त 20 में इनका निधन हो गया था, और ये मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, मेवाती सांस्कृतिक जो शास्त्रीय घराना है वहां से, तो पंडित जसराज मेवाती गायकी से संबंधित है। वैसे इनका जन्म है वो हिसार में हुआ था। हाँ, जसराज वाला प्रश्न पुलिस में आया था, ये प्रश्न तो बहुत रिपीटेड है, आपके लगभग लगभग देखने को मिल जाएगा। कोटा की मावा कचौरी, हाँ कोटा की कचौरी बिल्कुल। जवाहर कला केंद्र कहाँ राजस्थान में यहाँ स्थित है? तो मित्रों ये भी आरपीएससी के सेशन में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, जवाहर कला केंद्र, ललित कला अकादमी राजस्थान, हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये सभी चीजें आपकी कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ऑप्शंस नंबर
डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जोधपुर आपको ध्यान में रखना है, प्राची विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक संस्थान तो आपकी जयपुर में है, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी है जोधपुर में है। बोरुंदा में आपकी रूपायण संस्थान है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी कहाँ पर है, जोधपुर में है। बीकानेर की बात करें तो आपका आर्काइव जो म्यूजियम है, या फिर जिसे अभिलेखागार कहते हैं, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जिसका जिसमें एक म्यूजियम का हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, तो और ये आपका बीकानेर में है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा संस्कृति साहित्य अकादमी भी बीकानेर में है। उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है और राजस्थानी साहित्य अकादमी आपकी उदयपुर में है। तो अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है ये चीजें भी। स्किल टेस्ट में क्या होता है, स्किल टेस्ट में जो स्टेनोग्राफर है पुराने वाले उनको मैं पूछूंगा आपको, और जहां तक मुझे जितनी नॉलेज है मैं आपको इस वीडियो के अंत में दे दूंगा इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है, तो ये मेवाड़ प्रांत है, मेवाड़ प्रदेश है, तो मेवाड़ी ही बोली जाएगी। मालवी यानी कि जो मालवा से छठा इलाका है झालावाड़ के आसपास में मालवी बोली जाती है। बागड़ी यानी कि आपका बागड़ प्रदेश है, ठीक है, बागड़ी या बागड़ी बोली है डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। और रांगड़ी है ये मारवाड़ी और मालवी का जो मिश्रण है ये आपकी रांगड़ी बोली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दामना, एक गहना है जो पहना जाता है, तो दामना से संबंधित हमने डिस्कस भी किया था अच्छी तरीके से, आपको पता ही होगा। तो ये उंगली में पहना जाता है या कहीं कहीं हाथ भी दे रखा होता है, तो हाथ और उंगली में से दोनों दे रखे हो तो उंगली करना है, नहीं तो हाथ भी आप कर सकते हैं। पाली का गुलाब हलवा सर आए अब कभी, बिल्कुल निश्चित तौर पर आएंगे, पाली का गुलाब हलवा भी खाएंगे। दामना जो उंगली का आभूषण है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ये प्रश्न मित्रों, इस पूरे के पूरे पेपर में अगर कोई स्तरीय प्रश्न था तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा स्तरीय मानता हूं, लेवल का है। बाकी के सभी प्रश्न हैं बहुत ही लड्डू टाइप के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल ही लेवल नहीं मानता हूं मैं इन प्रकार के प्रश्नों के। हाँ, करंट से जुड़े थोड़े से एकाध प्रश्न है वो ठीक ठाक ढंग के थे, लेवल के थे, लेकिन बाकी के सभी राजस्थान जीके के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं। आपने अगर ये 4-5 घंटे वाला भी वीडियो देख लिया है किसी ने तो भी आप 50 प्रश्न तो इसमें सही कर ही आते। तो देखिए, अचलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा शिलालेख और कुंभलगढ़ शिलालेख, रांगड़ी, मालवी और मारवाड़ी का जो मिश्रण है वो आपकी रांगड़ी बोली है, ठीक है। तो यहां पर ये प्रश्न काफी बार पूछा भी गया है आपसे, ध्यान में रखिए आप। अचलेश्वर शिलालेख है 1285 का है, दिलवाड़ा शिलालेख है ये 1216 का ना होकर 1230 का है, तो यहां पर 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी है वो गलत है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 की है, ठीक है, हाँ दिलवाड़ा गलत है, बाकी 1 और 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है युद्धों को ध्यान में रखकर सही कालक्रमानुसार बताइए, ये भी प्रश्न ठीक है लेकिन इसमें जो कूट दे रखे हैं इन्होंने ऐसे ही दे दिए, आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध, तो नाम मात्र के बच्चे को भी पता है तराइन का युद्ध कब होता है, 1192 को, प्रथम 1191 और द्वितीय 1192, ठीक है। तो देखिए तराइन का दूसरा युद्ध 1192 यानी कि सबसे ओल्डेस्ट यही है यहाँ पर, तो एक ही ऑप्शंस में केवल 3 दे रखा है पहला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को, 18 जून 1576 मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 3, 2 और 1, 1192, 1527 और 1576। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनवाया गया था, तो महाराणा कुंभा ने बनाया था, आप सभी भली भांति परिचित हैं चित्तौड़ का विजय स्तंभ, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में बनाया था, 1437 में महमूद खिलजी के विरुद्ध इन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की थी, ठीक है, सारंगपुर युद्ध कहते हैं जिसे। इसी युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में।
भरतपुर शहर की स्थापना की थी, तो मैंने बताया भी था जाटों के अफलातून कहे जाने वाले महाराजा सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की थी। भरतपुर का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहा जाता है महाराजा सूरजमल को। तो ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों ने शासक हरवंशपाल सिंह के साथ में कहां पर संधि की थी? तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था ये प्रश्न भी कि सबसे पहले जो संधि करते हैं 1817-18 की अंग्रेजों के साथ में, वो करौली रियासत ही थी। 9 नवंबर 1817 की बात है, करौली के हरवंशपाल सिंह अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेटकॉप, जो कि दिल्ली का क्या था, रेजिडेंट था, दिल्ली का रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉप, इसके साथ में इन्होंने संधि की थी। ठीक है, तो करौली में ही हो जाएगा। 9 नवंबर 1817 हरवंशपाल सिंह ने की थी चार्ल्स मेटकॉप के साथ में। नेक्स्ट है, 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ? तो संग्राम आप सभी को पता है नसीराबाद छावनी, जो कि अजमेर में है। 28 मई 1857 का ये संग्राम है, वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बार्ट। ये प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुका है कि 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना है वो किसने की? तो केसरी सिंह बार्ट ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की, जिसमें आपके गोपाल सिंह खरवा भी इसमें साथ थे। आप बताइए कि वीर भारत समाज की स्थापना कौन करते हैं, कमेंट करें जरा। और इसके अलावा ये है आपके कुशाल सिंह चंपावत, ये आपके 1857 की क्रांति से संबंध रखते हैं। ठीक है, चिनपुरा छावनी के आसपास में आउवा का विद्रोह हुआ था, और लाला हरदयाल और जो मेहराब खान है ये कोटा में विद्रोह के नेतृत्व करता है। नेक्स्ट है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ये भी बहुत बार हमने बताया था आपको। बेंगू किसान आंदोलन, यहाँ पर 1923 में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ को अंग्रेज अधिकारी गोली मारकर हत्या कर देते हैं, और उन्हीं की हत्या की जांच के लिए, रूपाजी कृपाजी की हत्या की जांच के लिए एक कमीशन आयोग गठित होता है, जिसका नाम क्या है, ट्रेंच कमीशन। और आप बताएं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए कौन सा कमीशन है वो गठित हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन का आप कमेंट करके बताइए किस किस को पता है। भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना, ये भी बहुत ही रिपीटेड प्रकार का प्रश्न है। गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी, किसके लिए, भीलों और ग्रासियों को संगठित करने के लिए, और भीलों को संगठित जाने वाले मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। तो एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, संप सभा गोविंद गिरी 1883, और ध्यान में रखना है इन्होंने सूरजी भगत के साथ में मिलकर क्या चलाया था, भगत आंदोलन भी चलाया था। और मानगढ़ धाम हत्याकांड है वो भी आपका गोविंद गिरी के समय ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। हाँ, धाकड़ जाति तो है, लेकिन उसके लिए आयोग कौन सा गठित हुआ था बताइए, बिजोलिया किसान आंदोलन में हमने डिस्कस भी किया था, आप लोगों को बताया भी था। संगीता जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग है, ये आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन है वो आपका बेंगू किसान आंदोलन, रूपाजी कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, इस प्रकार की जोधपुर बड़ी बड़ी रियासतें सम्मिलित हुई, और एक राजस्थान का बृहद राजस्थान के रूप में अस्तित्व में आया राजस्थान, और इसी दिन से राजस्थान दिवस के रूप में आपका मनाना है वो स्टार्ट कर दिया था। तो राजस्थान की ज्यादातर मोटे तौर पर एकीकरण है वो इस दिन संपन्न हो गया था, तो यहीं से 30 मार्च से राजस्थान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार करें, किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर, और यही है, इतने ही है। तो देखिए, हाँ, 21 सूत्री मांग पत्र जोरावर सिंह ने वीर भारत सभा, विजेंद्र जी लिख रहे हैं। देखिए, प्रजामंडलों की बात करें तो किस
यहाँ पर सीधे तौर पर ही इसका आंसर है वो दिया हुआ है कि जयपुर एक तो आपका जयपुर प्रजामंडल था, एक था बूंदी प्रजामंडल। ये दो प्रजामंडल ऐसे हैं जो कि 1931 में गठित हुए थे। तो सीधे तौर पर यहाँ पर तीन दे रखा है एक ही ऑप्शंस में। अगर ये भी इसके बाद में एक दो या दो एक करते तो लोग कंफ्यूज होते, लेकिन देखिए जयपुर में करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधे तौर पर जयपुर 1931 में। उसके बाद में पुनर्गठन होता है 1936 में, चंद्रलाल बजाज करते हैं। तो देखिए आप 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? कर्पूर चंद पाटनी करते हैं। बांसवाड़ा की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी के द्वारा 1945 में होती है। और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कौन करता है? तो किशनगढ़ की आपकी कांतिलाल चौथानी करते हैं। तो एक में यहाँ पर 1931 हो जाएगी, दूसरा किशनगढ़ 1939 हो जाएगा, और तीसरा है बांसवाड़ा जो कि 1945 है। तो एक ही करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? समय पूछते तो थोड़ा सा लेवल वाला प्रश्न बनता। 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। कब से कब? 8 मार्च 1948 से लगाकर के 1 नवंबर 1956 तक। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, ब्रिलियंट माइंड है आप सभी। 8 वर्ष 7 माह या कितने दिन है? 14 या 15 दिन। कोई लोग इसको 17 मार्च से भी स्टार्ट मानते हैं। तो 8 वर्ष 7 माह 14 या 15 दिन राजस्थान के एकीकरण में समय लगा था, जो कि 7 स्टेप में कंप्लीट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। कू संबंधित है, भील जनजाति के जो घर होते हैं उसे स्थानीय भाषा में कू या टापरा कहते हैं, टापरा या छापरा। ठीक है, तो भीलों के घरों को ही कहते हैं कू या टापरा, ध्यान में रखना है आपको। ढेपाड़ा, भीलों के द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उनको ढेपाड़ा कहते हैं। भील जनजाति के जो वस्त्र है वो ढेपाड़े के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान राज्य था। राजस्थान पहला राज्य था जो जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को शुरू किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर का एक गांव है जिसका नाम है बगदरी, यहाँ से पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सूत्रपात आप यहाँ से करते हैं। उसके बाद में आंध्र प्रदेश जाते हैं और 11 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश से इस पंचायती राज की शुरुआत है वो करते हैं। तो पहला राज्य था राजस्थान, दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम संबंधित है, ग्रामीण विकास, वन्य जीव संरक्षण, शहरी विकास, नारी सशक्तिकरण। तो ये कार्यक्रम आपका नारी सशक्तिकरण से है, विमेन एम्पावरमेंट से है, ग्रामीण विकास से नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि जो ये कार्यक्रम आपका लगभग 2009 में स्टार्ट हुआ था और इसमें नारियों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, उनके एम्पावरमेंट से संबंधित बात कही है। जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनकी भी इसमें बात कही गई है। बाल विवाह पर कंट्रोल करने की बात, जनसंख्या पर नियंत्रण करने की बात, महिलाओं को 10वीं तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से देने की बात कही गई है, सुरक्षित मातृत्व की भी बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो आपके पढ़ाए गए बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। हम निश्चित तौर पर, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अच्छी तरीके से आप इन पेपरों को, इन सॉल्यूशन को अच्छे से आप फॉलो करें, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपने 3 मैराथन वीडियो भी अगर आप देख कर गए हैं तो आपके 65+ प्रश्न है वो अच्छी तरीके से आपके सही हो जाते। और आपने चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो तो भी। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर रत्न ही पूछा है तो जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़ा सुमेलित करना है पशु प्रजनन केंद्र और नस्ल है। तो पशुओं की नस्ल हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था और उसके आधार पर आप इस प्रश्न को भी बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों देखिए, अगर हमने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश भी पढ़े थे तो उनमें मैंने आपको बताया था हाड़ौती प्रदेश पढ़ते हैं तो उसमें आपका डग गंगधार का क्षेत्र है। क्या? डग गंगधार जो कहाँ है? झालावाड़ में है। तो डग आपका मालवी हो जाएगा क्योंकि जो मालवी गायों की नस्ल है, ठीक है, जो भी कैटल की नस्लें हैं मालवी, तो ये आपकी झालावाड़ से जो छटा हुआ इलाका है
जो मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वही मालवी की नस्लें हैं प्रमुख रूप से। तो डग आपका झालावाड़ में है तो मालवी हो जाएगा, और केवल शायद एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए में सी दे रखा है। ये भी आपको अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नोहर और बादरा कहाँ है? राजस्थान के उत्तरी जिले में जो सिद्धमुख नोहर परियोजना है, आप सभी को पता होगा, हनुमानगढ़ लाभान्वित है। तो नोहर हनुमानगढ़ में और राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में, उत्तर सॉरी पश्चिमी या उत्तरी जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, यहाँ पर राठी गाय मिलती है, राजस्थान की कामधेनु के रूप में जानी जाती है। तो नोहर से आप राठ भी कर सकते थे। चंदन चंदन नलकूप थार का गढ़ा कहलाता है, पश्चिमी राजस्थान में है। तो थार पार कर नस्ल कहाँ की है? जैसलमेर की है। तो यहाँ से भी आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत इजी प्रश्न है, ये भी हमने डिस्कस किया था और उसके आधार पर आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? खेतड़ी, सीकर, झुंझुनू और फतेहपुर। तो अंग्रेजों ने इस शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की, मेवाड़ भीलकोर की भी स्थापना करते हैं। तो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय है आपका झुंझुनू में है, ना कि खेतड़ी में। अच्छी तरीके से ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, कई बार डिस्कस किया था, ठीक है। तो झुंझुनू में शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मित्रों, ऑल ओवर हमने प्रश्नों का विश्लेषण किया और आपने पाया है कि वही प्रश्न है जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले। और कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि असमंजस की स्थिति में थे कि आप लोग आप जो बता रहे हैं वो आएगा या नहीं आएगा। मित्रों, पहले आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन 2020 में जितने भी पेपर्स हुए हैं, चाहे आप आरपीएससी के कह लो, आरएसएसबी या अधीनस्थ बोर्ड के नाम से जिन्हें जाना जाता था, आरएसएमएसएसबी के कह लो, या फिर आप दूसरी बात करें आरपीसीबी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एक पेपर हुआ था, उसमें भी हूबहू प्रश्न है वो ही मिले थे। तो कोई भी संस्था हो, अगर राजस्थान जीके का आपको अच्छी तरीके से राजस्थान जीके तैयार करना है, तो ये जो पेपर हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ये अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। राजस्थान का जीके आपका 90% तक यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, राजस्थान का जीके आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, 1834 हेनरी फॉरेस्टर, बहुत ही अच्छा प्रयास मदन जी। हाँ, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में अंग्रेज अधिकारी इस फॉरेस्टर के द्वारा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये राजस्थान का जीके मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, बताया मैंने था और अभी बता रहा हूँ, यही चीजें हैं जो आपसे बार बार पूछी जा रही है। और दूसरी बात, किसी भी पेपर का लेवल किस प्रकार से तय होता है, वो चीज भी मैंने आपको पहले बता रखी है कि कोई भी पेपर है वो लेवल वाला कब बनाया जाता है और कब इस प्रकार से लड्डू टाइप का पेपर आपको दिया जाएगा। पेपर में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखे जाते हैं, पेपर देने वाले कितने हैं, उनकी छंटनी हमें किस प्रकार से करनी है, इस प्रकार से ही पेपर का लेवल है वो बनाया जाता है। इस पेपर में शायद 36% है या 40% है, ये आपकी जरूरी है कि आपने अगर 40% इसमें दोनों पेपरों में, फर्स्ट पेपर में 40% आपने कंप्लीट किए हैं, तो ही आप सेकंड वाला पेपर है वो दे पाएंगे, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर तब पेपर देते तो ये सीट भी नहीं भरी जाती, क्योंकि 1,30,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें से 40% लोग एग्जाम बैठने गए। इसमें ज्यादा कुछ आपकी नहीं हेडेक वाली बात है नहीं। सेकेंड पेपर में क्या होता है, सेकेंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश का सेकेंड वाला पेपर था, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश का जो सेकेंड पेपर था मित्रों, वो भी मैंने आप लोगों के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए एक 20 टेस्ट सेट तैयार किए थे। और वो टेस्ट पेपर अगर किसी ने दिए हैं तो आपको 90% तक के जो पेपर्स हैं हिंदी और इंग्लिश के, वो भी आपको उसमें से मिल जाएंगे, उस टेस्ट पेपर से, हिंदी और इंग्लिश वाले से आपको 80 से 90% चीजें हैं केवल और केवल आपको टेस्ट पेपर से मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपके लिए इंग्लिश की वोकैब भी 2 घंटे का वीडियो डाला था, तो वोकैब से जुड़े हालांकि बहुत टफ प्रकार के प्रश्न हैं वो इंग्लिश में पूछे गए थे, फिर भी आपको 5-6 क्वेश्चन है वो उस वीडियो से मिल जाते अगर आपने देखा हो तो, ठीक है।
इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है? इसकी कट ऑफ के लिए मैं आपको एक पोल दूंगा टेलीग्राम पर, आप सबसे पहले तो जुड़े, और टेलीग्राम पर मैं आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज एक पोल है वो तैयार करके डालूंगा, तो उसमें आप अपने कितने मार्क्स आते हैं वो आप सही सही लिखकर उसमें भरें, और उसके बाद में आपको एग्जैक्टली मैं बता दूंगा कि कितनी क्या रहेगी। स्किल टेस्ट कैसे होता है? स्किल टेस्ट में क्या होता है कि आपका तो एक रिकॉर्डेड कोई भी आपका पैराग्राफ होगा, ठीक है, और रिकॉर्डेड पैराग्राफ माइक के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से आपको सुनाई देगा, और वो चीजें 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से वो बोलेंगे, ठीक है, और उसको आपको इस आंसू लिपि में लिखना है, स्टेनो की लिपि में लिखना है, और वो आपको 10 मिनट में टाइप करना है, ठीक है, स्टेनो की लिपि में 10 मिनट में लिखना है और टाइप करना है उसको देख करके, जो आपने लिखा है स्पीकर में, जो बोला गया है लिखा है उसको आपको देख करके टाइप करना होगा, ठीक है, और टाइप करने के लिए आपको हिंदी के लिए सॉरी हिंदी के लिए तो 70 मिनट की समय मिलेगी, और इंग्लिश के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो मित्रों कल हम डिस्कस करेंगे आपके हिंदी वाले पेपर की, इंग्लिश वाले की, जनरल साइंस के पेपर के भी, ठीक है, उनमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे आपके, इजी था। कल से हम जो क्विक रिवीजन वाली वो सेशन भी स्टार्ट करेंगे, और ये सारे के सारा जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वैसे मैं कल ये इसके आंसर की मुझे डालनी थी, लेकिन क्या हुआ कि ट्रेवल में लेट हो गया था काफी, और उसके बाद में थक गया था, और फिर डेली को दिन को तो ऑफिस में था, और शाम को मैंने सोचा कि आपके लिए ये सेशन है वो लेकर आए, ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए जो विश्लेषण है वो मैंने आज डाल दिया है, जीके वाला, और भी साइंस वाला वगैरह, आपको भगवत जी पाली वाला, आपकी वजह से जीके तैयार हो गया, बिल्कुल आपका जीके अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और अगर आपने हिंदी वाले भी लगभग 7-8 ही वीडियो है वो भी अगर आपने अच्छी तरीके से देखा है, तो आप हिंदी भी 80-90% तक अपनी तैयार है वो मान सकते हैं। बहुत से प्रश्न है उन 7-8 वीडियो में से भी आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी को, गुड नाइट, शुक्रिया, कल मिलेंगे फिर, और आप संपर्क जरूर करना omdigitalstudy@gmail.com पर, जिन्होंने स्टेनो की जो टंकण लिपि है वो सीख रखी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे फिर, तब तक के लिए शुक्रिया।